नमस्कार, आज के टॉपिक में बात करेंगे पीली सरसों और कपूर के महा उपायों के बारे में। आप इनको उपाय भी कह सकते हैं, इनको टोटके भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजों को करने के बाद भी आपके जीवन से 101% नेगेटिविटी दूर होगी। ये दो चीजें, पीली सरसों और कपूर, आगा जो उपाय है वो हमें कैसे करना है उसके ऊपर ही विवेचना करेंगे, और इनको करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में, योर एस्ट्रो मलिक में, एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुंडली की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमें पता होता है कि हमारा ये ग्रह जो है ये नेगेटिव है, हमें इसके उपाय करने हैं। दूसरी कंडीशन में होता है कि ग्रहों की वर्ष फल में कोई पोजीशन नेगेटिव आ रखी है, हमें पर्टिकुलर उस साल के लिए वो उपाय करना है। आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, उसको अच्छा करने के लिए हमें वो उपाय करना है। लेकिन आज बात कर रहा हूं बुरी नजर, टोटके, ये आपके शरीर में दर्द रहना, या आप कहीं पे किसी फंक्शन पे गए और आने के बाद आपके जीवन में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों चीजें आपको परेशान कर रही हैं। छोटी छोटी बातों में मन का घबराना, घर में मन ना लगना, घर से बाहर हो तो अच्छे हो, घर में आते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपका मन उदास है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्रहों का तो दोष होता ही होता है, लेकिन आपके अंदर, आपके जीवन में भी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, ग्रहों की संज्ञा में राहु का काम होता है आपको तंग करना, आपको परेशान करना, आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार लेके आना, और उन विचारों को लेके आपकी दवाइयां जो है वो केतु शुरू करवा देते हैं। अगर कुंडली में मंगल भी खराब होगा तो दूसरों की नजरें आपको लूट लेंगी, बर्बाद कर देंगी, आपका कोई काम बनेगा नहीं। जितना आपका कुंडली में मंगल अच्छा होगा, लोग आपसे जुड़ते ही चले जाएंगे। तो मंगल का अच्छा होना सबसे जरूरी होता है दूसरों की नजरों से बचने के लिए। मंगल का एक रूप है मीठा। मीठे का मतलब होता है आपने कोई स्वीट्स जो है वो खाई, आपके घर में कोई स्वीट्स का डब्बा आया। आजकल के दौर में जब कोई फंक्शन होता है तो हम फंक्शन के टाइम पे मीठे का वितरण कर देते हैं। लेकिन जब आपकी कुंडली में मंगल खराब होता है दोस्तों, तो यकीन मानिए वो मिठाई जो आपके घर में आई हुई है, जब तक वो मिठाई रहेगी आपके घर में से बीमारियां, क्लेश, ये चीजें जो है वो घर कर जाएंगी, निकलेंगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मंगल खराब है। और मंगल का बुरा रूप क्या है? मंगल बद है, राहु है। तो बेसिक पोजीशंस में बात करें, चंद्रमा जिन लोगों के खराब होते हैं उनके मन में हमेशा डर, वहम, घबराहट, एंजाइटी बनी रहती है। राहु खराब होते हैं, उलझने, तकलीफें, परेशानियां, मानसिक तनाव बना रहता है। जिनके मंगल खराब होते हैं उन लोगों के अंदर इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, किसी चीज को फेस ना कर पाना, और अगर वो काम टाइम पे नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद आपको एक ऐसा गुस्सा आता है अंदर से कि वो आपके रिलेशन को खराब करता है। तो बीमारियों और झगड़ों के स्वरूप केतु और मंगल की दृष्टि से बंद होना, केतु और मंगल का इकट्ठा होना आपको खराब करता है। सीधे टॉपिक की बात करें तो पीली सरसों का उपाय आपको कब करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है परेशानियां ज्यादा हैं, घबराहट फील कर रहे हैं, सिर दुख रहा है, सिर भारी हो चुका है, मन परेशान है, अड़चने आपको फील हो रही हैं, बुरी नजरें, टोटके, काम नहीं बन रहे आपके, आपको लग रहा है कि मेरा काम ये होने वाला था लेकिन हुआ ही नहीं, कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको आपके जीवन से वो नेगेटिविटी जो आपकी ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए पीली सरसों का उपाय जो है वो करना चाहिए। पीली सरसों का उपाय आप उतारे के रूप में भी कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जैसे मैं आपको बता दूं, आपने पीली सरसों लेनी है दोस्तों, जो मैंने पहले रखी हुई है यहां पे,
पीली सरसों के आपने कुछ दाने जो है वो लेने हैं दोस्तों। इसको आपने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के, अपना लेफ्ट जो कान होता है इसके पीछे से आपने 4 बार या फिर 7 बार आपने उतारा करना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये दोस्तों आपने 4 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने ये पीली सरसों अपने ऊपर से वार के, इसको आपने आपके घर में जो डस्टबिन है उसमें आपको उसको फेंक देना है। सबसे पहला उपाय, टाइम में कोई बाउंडेशन नहीं है, जब आपको फील हो आप ये कर लीजिए। दूसरी कंडीशन में अगर बच्चों को नजर लग चुकी है, बच्चों का सेहत खराब हो रही है, आपके परिवार में नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आपने एक मिट्टी का दिया लेना है दोस्तों। मिट्टी का दिया लेने के बाद उसमें आपने 4 कपूर की टिकियां रखनी है, उसके बाद आपने आपके सिर से 7 बार या 4 बार पीली सरसों का उतारा जो है वो करना है, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया है। और करने के बाद उसको आपने उस दिए के अंदर डाल देना है और ऊपर से उसे कपूर को जो है वो जला देना है। तो इसके बाद भी आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां होंगी, नेगेटिविटी होगी, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे अच्छा और कारगर उपाय है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर आपके घर में ज्यादा वास्तु दोष है, चीजें अच्छी जगह पे प्लेसमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में पकड़ के अपने घर के चारों कोनों में से ले जाके बाहर किसी भी डस्टबिन में जो है वो फेंक देनी है। इससे भी आपके घर से वो ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी। दोस्तों पीली सरसों में नेगेटिविटी ग्रैब करने की ज्यादा पावर होती है, आपके जीवन से वो चीजें सारी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये उपाय आप 4 शनिवार कर लेते हैं, 4 बुधवार कर लेते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद कर लेते हैं, तो इससे आपको यकीनन कहीं ना कहीं मेंटल पीस, सुकून और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ की समस्याएं जो है वो दूर होनी 101% शुरू हो जाएंगी। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, आप संध्या के टाइम पे भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पे। और जब आपको फील हो रही हो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मन परेशान, गुस्सा, इरिटेशन चढ़ रही हो, तो उस टाइम पे भी आप ये कर सकते हैं। इससे आपको 101% फर्क जो है वो पड़ेगा। कपूर का उतारा और पीली सरसों का उतारा जैसे ही आप करते हैं, आपकी बॉडी से वो एनर्जी जो है वो निकल। और दोस्तों लोगों की लगी हुई बुरी नजरें आपके जीवन से दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उपाय, ये टोटका जरूर करें, जब आपको फील हो तब करें। आपको यकीनन इसके उपाय के बाद, इस टोटके के बाद अच्छा बेनिफिट जो है वो जरूर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं वो आप जरूर अपनाएं। और लेफ्ट हैंड में पकड़ के लेफ्ट कान के पीछे से आपने उतारा करना है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। कई बार लोग सीधे सीधे तरीके से कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, लेफ्ट से करना है, पीछे से घुमाना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और मेरी विनती है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, वीडियोस जो है वो बनानी पड़ती हैं, बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर आप हमें सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय श्री।